नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। राजस्थान में मॉनसून की सक्रियता बुधवार को भी जारी रहेगी, जिससे पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश तो पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार गहरा कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसका संबंध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। आयकर विभाग की नई वेबसाइट आयकरदाताओं के लिए नई मुसीबत लाई है। शुरू होने के 2 माह बाद भी नई साइट सही तरीके से चल नहीं पा रही है, इसे आयकरदाता व प्रैक्टिशनर्स परेशान हैं। अब तक मात्र 3% ई रिटर्न फाइल हो पाए। शहर के सीए की शिकायत है कि रोजाना काम प्रभावित हो रहा है। मालूम हो जिले में करीब 2 लाख करदाता है। रिटर्न की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। शिक्षा विभाग में 16 जून को प्रिंसिपल से डीईओ पदों पर पदोन्नत हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को 1.5 माह बाद भी पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। नतीजा ब्लॉक्स में शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद आंकड़ा 75% हो गया है। विभाग में शिक्षा अधिकारियों के 461 पद स्वीकृत हैं, इसमें वर्तमान में 350 पद रिक्त चल रहे हैं। बावजूद इसके पदोन्नत हुए 332 जिला शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं मिल रही है। इनमें भी करीब 58 पदोन्नत जिला शिक्षा अधिकारी पोस्टिंग से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5 राजनीतिक नियुक्ति की थी। इसके तहत राजधानी जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में कांग्रेसी नेताओं को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन अब भाजपा सांसदों की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को हैक कर 2 विदेशी महिलाओं ने 32 लाख रुपए लूट लिए थे। दोनों शातिर महिलाएं फर्जी पासपोर्ट पर लंबे समय से भारत में घूम रही थीं। एसओजी पुलिस की जांच में दोनों के नाम व पते फर्जी पाए गए। महिलाओं के पासपोर्ट बेंगलुरु पुलिस ने जब्त कर लिए थे। इसके बाद दोनों ने दलालों के जरिए फर्जी पासपोर्ट बनवा लिए। एसओजी ने मास्टरमाइंड हैकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते क्षेत्र में बदमाश बेलगाम होते जा रहे हैं। यहां पुलिस थाने के पास 12 बदमाशों ने एक कांस्टेबल की हत्या, घूमना गांव में कार चालक के साथ लूट की वारदात के बाद अब पुलिस थाने से महज 300 मीटर दूर स्थित एक फैक्ट्री में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना मंगलवार अल सुबह की है, जब एक चोर स्टोन आर्ट फैक्ट्री में सो रहे 6 मजदूरों के मोबाइल को चुरा कर ले गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के मुताबिक राज्य में ग्रामीण खेलों का आयोजन नवंबर महीने में प्रस्तावित है। इन खेलों में प्रदेश के 50,000 गांवों और पंचायतों के करीब 15 से 20 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रदेश स्तर तक इन खेलों में चुने जाने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग प्रोत्साहित करेगा। सीएम के फिट राजस्थान हिट राजस्थान के नारे को साकार करने के मकसद से 6 खेलों में इसके आयोजन किए जाएंगे। इनमें वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, शूटिंग बॉल और क्रिकेट को शामिल किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं 2021 के ऑनलाइन फॉर्म बुधवार से भरने शुरू हो गए। इसमें 76 आरएएस, 77 आरपीएस सहित कुल 363 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवा के लिए 625 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग ने आयोग को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2021 की अभ्यर्थना भेजी है। बुधवार को अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने में जुट गए। आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर को 12:00 बजे तक चलेगी। भीलवाड़ा जिले में 500 से अधिक विवाह स्थल और बैंकेट हॉल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम करने होंगे। स्थानीय निकाय के दायरे में आने वाले विवाह स्थलों पर अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड ने भी शिकंजा कसा है। होटल रेस्टोरेंट के लिए प्रभावी गाइडलाइन में विवाह स्थल और बैंकेट हॉल को शामिल किया है। संचालकों को वेस्ट वाटर, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि व वायु प्रदूषण, ऊर्जा संरक्षण के मानकों की सख्ती से पालना करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर लौट आए। वे 7 दिन तक दिल्ली में थे। पायलट के दिल्ली से लौटते ही उनके जयपुर स्थित बंगले में समर्थक पहुंचने लगे और राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। पायलट 1-2 दिन जयपुर में ही रहेंगे। आज कई विधायकों की उनसे मुलाकात के दौरान मंत्रणा होगी। कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सियासी मुलाकात कई अहम सवाल छोड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में राजनेता इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि शिवकुमार की ये यात्रा सिर्फ निजी यात्रा ही नहीं थी। वे इस मुलाकात को लेकर जो भी बातचीत हुई उसकी रिपोर्ट आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंपेंगे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।